देरी से ही, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी गलती मान लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत के पीठ पर छुरा घोंपने जैसा था। नवाज शरीफ ने इस बात को उस वक्त माना जब पाकिस्तान के टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारों का मामला गर्माता जा रहा है। इस विवाद में पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार सुबह कुछ ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा, मैं कन्हैया का भाषण सुना, हमारे बिहार के लड़के ने देश विरोधी या संविधान विरोधी कोई बात नहीं कही। उम्मीद और प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द ही बाहर आ जाए। रिंगिंग बेल्स कंपनी ने भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बनाया है। माना जा रहा है कि मात्र 500 रुपए की कीमत वाला यह स्मार्टफोन दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। फ्रीडम 251 एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप से लेस है। इस फोन की बुकिंग गुरुवार से शुरू होगी। जेएनयू मामले में रोज नई बातें सामने आ रही है। हाल ही में जेएनयू मामले के दोषी कन्हैया की गिरफ्तारी पर खुफिया विभाग यानी आईबी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी अंदरूनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने में जल्दबाजी की है। आईबी का कहना है कि कन्हैया कुमार के भाषण की रिकॉर्डिंग में देशद्रोह जैसा कोई बयान या नारेबाजी नहीं की गई है।